गुड इवनिंग सर, मैं रवि बात कर रहा हूँ एबीसी बैंक लिमिटेड से। क्या मेरी बात मिस्टर तनुजी से हो रही है? यस स्पीकिंग सर, हमारे बैंक ने आपको सेलेक्ट करा है एज अ लकी कस्टमर और हमारा बैंक आपको 20,000 रुपीज का रिवॉर्ड दे रहा है। इसका मतलब हमारा बैंक आपको 20,000 रुपीज का कैशबैक प्रोवाइड कर रहा है। 20,000 रुपीज, बट वाई सर? आपने कल एक ट्रांजेक्शन करी थी। नो मेरा मतलब सर परसों करी थी। नो इस हफ्ते में कभी तो करी होगी। यस मैंने इस हफ्ते में ट्रांजेक्शन करी है। एग्जैक्टली सर, उसी ट्रांजेक्शन की वजह से आप हमारे लकी कस्टमर सेलेक्ट हुए हैं और सर हमारा बैंक आपको 20,000 रुपीज का कैशबैक प्रोवाइड कर रहा है। ओ आई सी, तो सर क्या ये सही टाइम है आपसे बात करने का? यस श्योर यू कैन टॉक टू मी। फाइन सर, तो सर ये रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए आपको अपने अकाउंट डिटेल्स हमें देनी होंगी ताकि हम आपका अकाउंट वेरीफाई कर पाए। ओके सर, थैंक यू फॉर अकाउंट डिटेल्स। सर आपको अपना फ़ोन नंबर देना होगा ताकि हम अपने अकाउंट से चेक कर पाएँ कि आपका फ़ोन नंबर जो आप दे रहे हो क्या सही है या नहीं। ओके थैंक यू सर अपना फ़ोन नंबर देने के लिए। फ़ोन नंबर को वेरीफाई करने के लिए मैंने आपके फ़ोन में एक OTP भेजा सर, उसको प्लीज़ बताइए क्योंकि लास्ट स्टेप है। इसके बाद आपके 20,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ओके वेट अ मिनट, OTP? वेट, इससे OTP क्यों चाहिए? मुझे लगता है ये फ्रॉड कॉल है तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। This call is now being recorded. Call recording Shit. Has now ended. Call alert चल गया उसे तो यार। Hello? Hello? Call disconnected. मतलब तो आप समझ गए होंगे। दोस्तों कुछ महीने पहले नोकिया की डिवाइस में हमें एक फीचर देखने को मिला था जिसका नाम है कॉल रिकॉर्डिंग फीचर। इसका मतलब आप अपने फ़ोन के स्टॉक फ़ोन एप्लीकेशन से, यानी कि जब आप फ़ोन मिलाते हैं तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आप वहां पे कॉल रिकॉर्डिंग पर टैग करके अपनी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट दोस्तों इस कॉल रिकॉर्डिंग फीचर में एक दिक्कत है जिसके बारे में मैंने एक पहली वीडियो बना के रखी हुई है और दोस्तों उस वीडियो में मुझे इतने सारे कमेंट आए हैं कि भाई ये क्या है, ये कौन सा फीचर हुआ, ये क्या कर दिया, क्लिकबेट वीडियो, मतलब मेरे को लोगों ने बहुत कुछ बोला है। तो मैं आज उस वीडियो का जवाब भी देने वाला हूँ और आपको मैं फीचर के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में और इसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों मेरे पास नोकिया 5.1 प्लस है, मतलब एक नोकिया के डिवाइस जिसके अंदर मुझे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिलता है। तो दोस्तों आपने स्टार्टिंग के इंटरव्यू में तो देखा होगा कि जब हम कॉल रिकॉर्डिंग पे टैप करते हैं तो हमारी कॉल रिकॉर्ड होना तो स्टार्ट हो जाती है, बट कॉल रिकॉर्डिंग के साथ साथ हमें एक साउंड अलर्ट देखने को मिलता है। और साउंड अलर्ट क्या होता है? दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। इसका मतलब जब आप अपने नोकिया डिवाइस से कॉल रिकॉर्डिंग पे टैप करते हैं तो आपको एक साउंड अलर्ट सुनने को मिलेगा, दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। अब लोग मुझे बोलेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, हमें साउंड अलर्ट देखने को मिल रहा है, इसका मतलब हमें पता लग रहा है कि कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। बट दोस्तों साउंड अलर्ट सिर्फ आपको नहीं जाएगा, साउंड अलर्ट जिससे आप बात कर रहे हैं उसको भी जाएगा। इसका मतलब दोनों को पता लग जाएगा कि आप उसकी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो चाहे तो अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट भी कर सकता है क्योंकि उसे पता लग जाएगा कि आप उसकी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को ये फीचर बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों को ये फीचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब जिन्हें अच्छा लगा उन्हें क्यों अच्छा लगा? मान लीजिए आपको कोई फ्रॉड कॉल आती है और आप कॉल रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं, जैसे आप कॉल रिकॉर्ड स्टार्ट करेंगे उसको अलर्ट साउंड पहुंच जाएगा, दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड, तो वो अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर जाएगा। और बाकी के लोग जो इसके फेवर में नहीं है उन्हें ये पसंद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन हैं, लाइक Xiaomi के फ़ोन्स है, Realme के फ़ोन्स है, हमारे पास OnePlus जैसे फ़ोन है जो आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देते हैं विदाउट एनी अलर्ट साउंड। तो नोकिया ने ऐसा क्यों करा? नोकिया नहीं, मैं गूगल बोलूँगा क्योंकि गूगल ने फीचर लॉन्च करा ये, तो गूगल ने ऐसा क्यों करा? तो सो गूगल ने फीचर निकाला था ये बोल के कि हम ये प्राइवेसी के साथ निकाल रहे हैं, आप किसी की भी कॉल रिकॉर्ड उससे बिना पूछे नहीं कर सकते हैं, और अगर आप कॉल रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं तो उसे पता लगेगा जिससे आप बात कर रहे हैं कि आप उसकी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, विदाउट उसकी परमिशन आप कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। बट दोस्तों मैं गूगल से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने ये फीचर ऐसा निकाला है, प्राइवेसी के साथ ये फीचर दिया है, तो बाकी के जो फ़ोन्स हैं Realme, Xiaomi, OnePlus के जो फ़ोन्स हैं और भी बहुत सारे फ़ोन हैं जिनमें आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट एनी साउंड अलर्ट, तो वो तो कर लेगा। या तो ये फीचर होना तो सब में होना चाहिए ताकि इक्वलिटी हो जाए, कोई भी किसी का रिकॉर्ड ना कर पाए, रिकॉर्ड करना तो उसे बता के करें। और दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पे अगर आप जाते हैं तो आपको n नंबर ऑफ एप्लीकेशन मिल जाएगी, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं, जो आपके फ़ोन में कॉल रिकॉर्ड करवा देगा विदाउट एनी साउंड अलर्ट। तो गूगल प्ले स्टोर भी गूगल का ही है, तो वहाँ पे जब एप्लीकेशन है तो ये फीचर ऐसा क्यों निकाला है ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। गूगल ने तो साफ ये नोट करके बोला था कि ये प्राइवेसी है, आप किसी की कॉल उससे बिन पूछे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई थी
और उस वीडियो पे मेरे को ऐसे ऐसे कमेंट आए कि भाई क्लिक बेट, भाई ये क्या बना दिया है, बकवास वीडियो, ये वो। दोस्तों उस वीडियो पे अगर आप जाके देखेंगे तो मैंने सॉल्यूशन की तो कोई बात ही नहीं करी थी। मैंने सिर्फ ये बताया था कि गूगल ने क्या बोला है, गूगल का ये फीचर लॉन्च हुआ है, अगर ऐसा फीचर लॉन्च हुआ है सिक्योरिटी अलर्ट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, बस मैंने इतना बोला था। आप थंबनेल चेक कर सकते हैं, आप टाइटल चेक कर सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं जाके, आपको एंड में आई बटन वो वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों उसमें मुझे एन नंबर ऑफ कमेंट्स आए कि भाई ये सबसे बड़े कमेंट क्लिक बेट, बकवास वीडियो, ये क्या बना दिया है, सॉल्यूशन कहाँ है। तो दोस्तों मैंने अभी तो बात ही नहीं करी थी सॉल्यूशन की, पर मेरे को फिर भी इतना सब कुछ सुनने को मिला है, और वो भी सिर्फ एक ऐसी वीडियो पे जिसमें मैंने सिर्फ फीचर डिस्कस करा है, मैंने कोई सॉल्यूशन की बात नहीं करी थी। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ इसके सॉल्यूशन की। तो दोस्तों मैंने इस पे पूरा टाइम अपना स्पेंड करा है, मैं 2 महीने से लगा हुआ था इसका सॉल्यूशन को देखने के लिए। तो दोस्तों सैडली मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस कॉल रिकॉर्डिंग का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप नोकिया के स्टॉक डायलर से, जो स्टॉक फ़ोन एप्लीकेशन है, उससे आप अगर कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो दोस्तों आपको अलर्ट साउंड आएगा। इसका मतलब अगर आपको विदाउट अलर्ट साउंड रिकॉर्ड करना है, वो भी नोकिया के फ़ोन में, तो दोस्तों आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ेगा। और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में सबसे ट्रेंडिंग में जो एप्लीकेशन है वो है कॉल रिकॉर्डर, जो कि एक रेड और ग्रीन कलर में आपको मिल जाएगा, आपको भी दिख रहा होगा कॉल रिकॉर्डर एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपको कॉल रिकॉर्ड भी करवा देगा, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन भी इसमें है। दोस्तों पर्सनली मैं बोलना चाहूँ तो मैं भी इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि अकेला नोकिया में देख के आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर नोकिया की डिवाइस में आपने अलर्ट साउंड डाल दिया तो आपको सारे डिवाइस में डालना चाहिए, ताकि कोई भी किसी के नाम कर पाए। और गूगल प्ले स्टोर से पहले वो एप्लीकेशन हटानी चाहिए जो कि विदाउट एनी अलर्ट साउंड आपकी कॉल रिकॉर्ड कर सकती हैं। अगर हमारे पास इतने सारी एप्लीकेशन है, हमारे पास इतने सारे फीचर हैं, तो ये जो फीचर नोकिया ने दिया हुआ है, या फिर मैं बोलूँ गूगल ने दिया है, ये एक तरह से यूजलेस है। तो गूगल को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए और जल्दी इस पर रिव्यू करके इस साउंड अलर्ट को हटा देना चाहिए, वरना इसका कोई यूज़ नहीं होगा। लोग रिकॉर्ड कर लेंगे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करके, या फिर और डिवाइसेस तो हैं ही जो विदाउट साउंड अलर्ट यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है इस कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में। आप इसका अलर्ट साउंड नहीं हटा सकते, अगर आपको यूज़ करना है तो आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करिए, अदरवाइज चेंज योर डिवाइस, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। दोस्तों अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर सबके साथ कर दें।